जोहार झारखंड, जय झारखंड। आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे और ठीक ठाक रहें। शुभकामनाएं हमारी। आज एक विषय में बात करने के लिए लाइव आए हैं, और चूंकि ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं, मेरे कुछ साथियों के विचार हैं, बाकी इस विचार से आपके विचार भिन्न हो सकते हैं, क्योंकि हाँ जो हम लोग कहते हैं, जैसा हम लोग सोचते हैं, जरूरी नहीं कि वह 100% सत्य हो, लेकिन आप 100% नकार भी नहीं सकते हैं। जिन बातों को लेकर हम लोग चिंता करते हैं, जिन बातों को लेकर हम लोग सोचते हैं, आप उसे नकार भी नहीं सकते हैं। तो फिलहाल जैसा कि काफ़ी कई दिनों से सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं कि भूमिदान को लेकर, सबसे पहली बात उस दंपति के विशाल हृदय के लिए नमन करते हैं। लेकिन जहाँ तक भूमिदान का प्रश्न है, मैं यही कहना चाहूँगा, झारखंड क्षेत्र की बात कही जाए, विशेषकर राढ़ लोगों के विषय में, तो भूमिदान देने का कार्य हमने बहुत किया है, लेकिन नतीजा क्या मिला है? हमें विशेष कुछ लाभ नहीं मिला है। इसलिए अन्न दान कीजिए, अच्छी बात है, धन दान कीजिए, अच्छी बात है, वस्त्र दान कीजिए या और अन्य चीज़ें दान कीजिए, अच्छी बात है, क्योंकि उन चीज़ों का वापस प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन भूमिदान मुझे लगता है कतई माने बुद्धिमानी का विषय नहीं है। हम दोबारा भूमि प्राप्त नहीं कर सकते हैं, और आने वाला समय जैसे जैसे बढ़ेगा, जनसंख्याएँ बढ़ेगी, भूमि का महत्व होगा, और कहीं ना कहीं हमारी आने वाली पीढ़ी, उनके लिए जो महत्वपूर्ण कुछ बचेगा वो भूमि बचेगी। तो इसलिए भूमि को उनके लिए, जमीन को बचा कर रखे, ताकि वो अपना जीविका उपार्जन कर सके, अपना जीवन काट सके। नहीं तो काफ़ी दुर्लभ और काफ़ी दुखदायी स्थिति के साथ हमें सामना करना पड़ेगा। इसलिए मेरे व्यक्तिगत विचार हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से काफ़ी इस मामले को देखने का कार्य किया कि भाई भूमि दान को लेकर। और साथ ही मैं यही संदेश देना चाहूँगा, अगर आप इसके बावजूद अगर भूमि दान देते हैं, तो कम से कम पहला प्रयास होना चाहिए कि जिस संस्थान को आप दान देते हैं, चाहे वो मेडिकल हो या एजुकेशन सिस्टम हो, अगर आप स्कूल कॉलेज अथवा अस्पताल के लिए जमीन दान देते हैं, तो उस अस्पताल या स्कूल का नाम आपके नाम से होना चाहिए, आपके नाम से ये होना चाहिए कि वह स्कूल आपका नाम हो, अस्पताल जो बनता है वो आपके नाम से होना, जो जिस काम के लिए आप भूमि दान देते हैं, भूमिदाता के नाम से उसका नामकरण किया जाना चाहिए। उसके बाद उसमें जाहिर सी बात नियोजन आएगा, नौकरियां बनेंगी, तो उसमें कम से कम जो फोर्थ ग्रेड का जॉब होता है, वह भूमिदाता के जो परिवार हैं उसके लिए सदैव के लिए सुनिश्चित हो। जैसे अगर हम स्कूल की बात करें, तो चपरासी का होता है, प्योन का काम होता है, सफाई कर्मी का काम होता है, बागवानी का काम होता है, तो ये काम उस परिवार के सदस्य को ही मिले जो भूमिदान देते हैं। अस्पताल में भी इस तरह के काम होते हैं, तो ये कम से कम सरकार को इस तरह सोचना होगा। अगर नहीं, तो फिर सरकार को जमीन दान देने की आवश्यकता नहीं है, सरकार के पास बहुत सारा जमीन है। ऐसे भी हम लोग जमीन देके लूट गए हैं झारखंड में, और कितना लूटिएगा। अगर प्रबंधन समिति बनती है, क्योंकि कॉलेज जो होता है वहाँ एक कमेटी बनती है, मैनेजिंग कमेटी, तो मैनेजिंग कमेटी में जो सेक्रेटरी का पोस्ट होता है, वह भूमिदाता के परिवार को ही जाना चाहिए। और सदैव जब तक उस जमीन पर कोई संस्थान रहेगा, तब तक मेरा मानना है सचिव का पद उस परिवार को जाना चाहिए। अगर ऐसी शर्तों को सरकार मानती है, तो ही आप भूमि दान दीजिए, और नहीं तो छोड़ दीजिए। नहीं तो बहुत देखें, आज बहुत जगह माने कार्य के लिए हमारे लोगों ने भूमि दान दिया है, लेकिन कुछ नहीं मिला है। हमारे यहीं बगल में देखिए, TAP हाई स्कूल, जो तोपचाची प्रखंड का नंबर वन हाई स्कूल है, जो अभी प्लस टू है, इसके लिए हमारे मान टाण के हमारे ही कौम के लोगों ने अपना जमीन दान देने का कार्य किया है, लेकिन क्या मिला उनको? TAP तोपचाची अंचल पंचायती हाई स्कूल का नाम मिला। ठीक है, पढ़ने के लिए पूरा तोपचाची नहीं, धनबाद के लोग आए, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कम से कम नामकरण तो उस शख्स का होना चाहिए था जिसका जमीन गया था मैक्सिमम। लेकिन जमीन जो भी जाता है, सब एक ही गोतिया को होता है, तो उस गोतिया में जो गार्जियन है, जो एगो खूंटा है, उस खूंटा के नाम से होता। मान के चले 4-5 जन मिलकर जमीन दिया, तो उनका जो खूंटा है, उस खूंटा के नाम से उस विद्यालय का नामकरण होता। लेकिन जहाँ तक हम देख पा रहे हैं, यहाँ हमारे बच्चे केवल पढ़ते हैं, पढ़ के बाद उसके बाद फिर गुजरात, सूरत, महाराष्ट्र निकल जाते हैं, क्योंकि शिक्षा की क्या क्वालिटी है आप देख ही रहे हैं झारखंड में, केवल जमीनें ली जा रही हैं, और बाकी जितने भी मैक्सिमम जो लोग सरकारी टीचर बनकर आते हैं, मैक्सिमम दूसरे राज्यों के हैं। तो हमें उन शिक्षकों से कोई शिकायत नहीं है भाई, क्योंकि हमारी सरकार उन्हें लेकर आई है, हम शिक्षकों के प्रति कुछ नहीं कहने, क्योंकि वो सरकारी रास्ता है। लेकिन कम से कम मिला क्या जमींदाताओं को? जिन्होंने जमीन दिया उनको आज क्या मिला? कुछ नहीं मिला, मैक्सिमम टीचर बाहर के हैं। अरे कम से कम जो फोर्थ ग्रेड का जॉब वहाँ मिलता है, उसको तो कम से कम उस परिवार को जाना चाहिए जिसने जमीन अपना दान दिया है। तो इसलिए थोड़ा सा भावनाओं में ना बहें, हम यही कहना चाहेंगे अपने झारखंडी लोगों से, अपने खुद के समुदाय से, और तमाम झारखंडी लोगों से, राढ़ लोगों से यही कहना चाहेंगे कि जब भी जमीन दान देने का मसला हो, किसी भी चीज़ के लिए,
एगो 10x10 का रूम काहे ना बने, एक बार सोच लीजिए कि उस जमीन से आपको क्या लाभ। और नहीं तो फिर आप इतना भी बड़ा दानवीर ना बने, कहीं ना कहीं आपका दिया गया दान आने वाला दिन आपके लिए घातक होगा। देखिए जाके दुग्धा की कहानी, दुग्धा की, चंद्रपुरा, खुसरो इत्यादि, चाहे बोकारो की कहानी सुनिए, जमीन आराम से दिए, आज वहाँ वह शरणार्थी बन गए हैं। तो जमीन देकर शरणार्थी ना बने, जमीन देकर अपाहिज ना बने। जमीन हमने बहुत दिया है, बहुत लूटा गया है, बताइए ना, इतना इतना मैक्सिमम हम कल हम लोग बहुत सारे जो कार्य हो रहे थे, मेला वाला लगाता, वहाँ भी सुनने में आया कि लोकल लोग जमीन अथाव दान दिया है, लेकिन उस समिति के माध्यम से जो लाभ अर्जन हो रहा है उसमें लोकल का कोई योगदान नहीं है, एगो ठीक से बड़ा दुकान भी नहीं लगा पाते हैं। तो थोड़ा सा इन सब बातों को समझिए, बाहर के लोगों का झारखंड आने का मकसद ये जमीन, और अगर हम लोग स्वयं अपने हाथों से पांव पर कुल्हाड़ी मारेंगे तो मुझे लगता है उचित नहीं। बाकी उन दोनों दंपति, मैं नाम किन्हीं का नहीं लूंगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य किसी को ना ठेस पहुंचाना रहता है, ना किसी को सपोर्ट देना रहता है, मेरा उद्देश्य रहता है कि मैं अपने हिसाब से बातों को रखना चाहता हूं। बाकी उन दोनों हमारे अभिभावक स्वरूप दंपति को मैं नमन करता हूं, उन्हें मैं प्रणाम करता हूं, उनके चरणों में नमन करता हूं, लेकिन उन्हें एक बार सोचना चाहिए वो जो जमीन उसके लिए, और विशेषकर जो जमीन ली जा रही है गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि वह जो भूमिदाता है उनके नाम से उस कॉलेज का नामकरण किया जाए, और जो थर्ड और फोर्थ ग्रेड की नौकरी होगी उसी परिवार को मिले और आजीवन मिले, जब तक वहाँ कॉलेज रहेगा, जब तक पढ़ाई होगा, जब तक पठन पठन का कार्य होगा, और एक बोर्ड बने जहाँ लिखा रहे जमींदाता का पूरा सूची लिखा रहे। अगर ये चीज़ें सरकार स्वीकार करती है तो ठीक है, नहीं तो फिर माने राज रहते भीख मांगे वाली स्थिति हमारी है। देख ही रहे हैं कोयला का खदान किसका जमीन में है, मैक्सिमम हमारे जमीनों पर है, कितने माने अधिकारी हैं हमारे कोयला के ऊपर लेवल पर, नहीं है। डीवीसी का प्लांट बसा है, कहाँ की जमीनों पर बसा है, मैक्सिमम हम लोग की जमीनों पर बसा है। जितने उद्योग बसे हैं कहाँ बसे हैं, सिंदरी, बीएसएल, सीआर, जोड़ी, इलेक्ट्रो, स्टील, टाटा, तो रामगढ़, तो आपका रांची, जहाँ भी मैक्सिमम जो उद्योग बसे हैं, एचईसी क्या नाम भी ले नहीं पाएंगे, इतना इतना उद्योग हमारी जमीनों पर बसे हैं, लेकिन अधिकारी कितने बन पाए, नहीं बन पाए। इसीलिए अब बहुत जमीन दान दिए, अब हम चाहेंगे कि थोड़ा सा सोचिए बैठ कर, क्योंकि पैसा दान करते हैं तो पैसा हम लोग आने वाला समय में कमा सकते हैं, धन कमा सकते हैं, अन्न अर्जन कर सकते हैं, कपड़ा दान दे सकते हैं, और कुछ साधन है जो दान दे सकते हैं, लेकिन जमीन अगर दान देते हैं तो फिर कहाँ से लाएंगे। ठीक है, आपके पास अगर आपको ज्यादा लग रहा है तो उनको दे दीजिए ना, जैसे दुग्धा, बेरमो, झरिया में जो लोग हमारे लोग जो विस्थापित हो गए हैं, जो कहीं नहीं रहे, उनको दे दीजिए, उनको बसा लीजिए, वो आपके लोग हैं, आपके लोग हैं, आप ही से कट कर, तो उनको दे दीजिए। अगर जमीन ही देना है और किनको लगता है, किन्हीं को हमारे लोगों को, कि जमीन उनके पास अत्यधिक है, तो उनको दे दीजिए, जो आपके लोग दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, बेरमो के कई गांव हैं ऐसे जो मैंने विस्थापन का दर्द झेल रहे हैं, चंद्रपुरा है इस स्थिति में है, आपका बोकारो के कई ऐसे गाँव हैं, तो अगर जमीन ही आपको देना है तो उनको अच्छे खासे मैंने बातचीत कर लीजिए और दे दीजिए। ऐसे भी हम लोग की मानसिकता देखते हैं किस प्रकार रहती है, कि अपना लोग को जमीन हम लोग नहीं देते हैं, दूसरा को देते हैं, और फाइनली दूसरा व्यक्ति बहुत पावरफुल होता है, वो आता है एक, लेकिन आके हजार लोगों को भरने का काम करता है। तो सोचिए थोड़ा भविष्य को भी, सोचिए कि हमारा भविष्य क्या होगा। इसलिए नम्र निवेदन है, थोड़ा जमीन दान जब भी करें तो एक बार सोच लें, क्योंकि बहुत जमीन हमने देने का काम किया है, अब कितना जमीन दीजिएगा, क्योंकि जमीन है तो ही हम है, नहीं तो जमीन खत्म हो जाएगा तो हमारा पहचान, हमारी अस्मिता सब खत्म हो जाएगी। तो इसलिए जब भी जमीन दान दें, एक बार घर में सबसे डिस्कस कर लें, किसी के बहकावे में आके बिल्कुल भी ना दें, जमीन दान यानी आने वाली पीढ़ी के हाथों में झुनझुना होगा। क्योंकि हम लोग स्पष्ट बोल दें, झारखंड में जितना आंदोलन हुआ है, चुहाड़ विद्रोह, तमाड़ विद्रोह, ढाल विद्रोह, भूमिज विद्रोह, कोल विद्रोह, सब जमीन पर, जमीन के लिए हम लोग लड़े हैं। जब जब अंग्रेज हम लोग का जमीन में आया तब हम लोग उठा पटक किए हैं। तो जब हमारे पूर्वज इतना मेहनत से जमीन देकर गए हैं, तो थोड़ा सा सोचिएगा, आपसे निवेदन होगा। और जानबे करते हैं, हम लोग भूमिफट लोग हैं इस क्षेत्र के, मिट्टी को काट कर हम लोग खेत बनाए हैं, पहाड़ को काट कर हम लोग खेत बनाए हैं, जंगल को साफ करके खेत बनाए हैं, कांटा पत्थर इस सब को मतलब झाड़ जो गुजूर जो था उसको हटा के हम लोग खेत बनाए हैं जोतने के लायक। तो इसीलिए थोड़ा सा निवेदन होगा कि जमीन के विषय में थोड़ा सोचिएगा, अपनी जमीन को सुरक्षित रखिए, ताकि आने वाला दिन कम आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ बचेगा। क्योंकि एक बात तो जान लीजिए, आप दिल्ली के तर्ज पे जिंदगी झारखंड के लोग नहीं जी सकते हैं। दिल्ली के लोग जिस प्रकार जीते हैं भाई, तो दिल्ली आप नहीं बन सकते हैं, मेट्रो सिटी में आप नहीं जी पाएंगे। अगर आप मेट्रो सिटी का ख्वाब देखते हैं जमीन देने के बदले, तो हमको लगता है आप पूरी तरह से, हाँ बिल्कुल मामा, हम लोग भी देखें कि जमीन झारखंड के लोगों का था, लेकिन गीत फिर बाहरी बजा, ऐसे बहुत सारे पंडाल देखने को मिले, उनका चर्चा भी किए। तो इसलिए कम से कम थोड़ा सा हमें
सोचना चाहिए इस विषय पर कि अब बहुत हो गया, अब जमीन का जो दान देने का लक्षण हम लोग का होता है, उस अपनी दानवीरता के लक्षण को थोड़ा कंट्रोल करें, और देना ही है तो आप अब उन लोगों को दे दीजिए जो आपके ही लोग हैं, जो विस्थापित हैं, जो सदियों से आज 40 साल 50 साल से ठोकरे खा रहे हैं, तो उन्हें दे दीजिए, उनको बुला के रहने का आश्रय दीजिए, बढ़िया रहेगा। ऐसे भी हम लोग बहुत जमीन दान दिए हैं, बहुत किसी को बचाने का कार्य किए हैं, तो कम से कम थोड़ा सा अपने लोगों के और अपने बारे में भी सोचिए विशेष। और बाकी मैं ये मेरी व्यक्तिगत राय है, आप इस राय से भिन्नता हो सकती है, इसके लिए हमें बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है अब थोड़ा बस कीजिए, रुकिए, सोचिए और ज़मीन को बचाइए, क्योंकि ज़मीन ही हमारी सर्वोच्च सब कुछ है। नहीं तो आने वाला दिन पता चलेगा झारखंड भी दिल्ली के तर्ज पर एक मेट्रोपोलिटन सिटी बन जाएगा, और फिर एक दिन ऑड नंबर एक दिन इवेंट नंबर का गाड़ी चलाते रहिए, धुआं 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 झेलते रहिए। झारखंड सुंदर है, झारखंड की माटी, सांस्कृतिक, यहाँ की प्राकृतिक बनावट, भौगोलिक स्थिति, यहाँ का कल्चर, रहन सहन, इसको जिंदा रखिए, बस यही कहेंगे। उसके लिए ज़मीन सबसे पहला आधार है, और बिल्कुल जल जमीन जंगल हमारे जीने का आधार है, तो कम से कम ज़मीन के साथ छेड़छाड़ ना करें। आपकी ज़मीन है, उस पर आप खेती करें या जो भी करें, लेकिन ऐसे संस्थानों को या फिर सरकार को तो विशेष करना दे, क्योंकि सरकार आपसे लेती है और बदले में यूपी बिहार एमपी बंगाल के टीचर लाके भर देती है। तो जैसे लो की बहाली को देख लीजिए, तो क्या करेंगे, आपके बच्चे पढ़कर सिर्फ बाहर ही खटने जाएंगे, तो इसलिए निवेदन होगा। बाकी जय झारखंड, जोहार झारखंड। कहाँ रे?